ऑलराइट, तो गाइज रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स के सारे ही स्पेसिफिकेशंस ऑफिशियली अब हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि ये जो सीरीज़ है दोस्तों रेडमी नोट 11, ये ऑफिशियली अब ग्लोबली मतलब इंडिया से बाहर लॉन्च हो चुकी है। और कल हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, लेकिन ग्लोबली जो है ये सीरीज़ दोस्तों, उसमें जो रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स है उसके नाम से कोई भी फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि इंडिया में वो Redmi Note 10 Pro Max के नाम से लॉन्च हो जाए, क्योंकि ग्लोबली ये फ़ोन दोस्तों Redmi Note 11 Pro 5G के नाम से लॉन्च हुआ है। लेकिन नाम चाहे जो भी हो दोस्तों, इंडिया में ये आने वाला है इसी स्पेस के साथ, ये तो गाइस 100% कंफर्म है ही। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में कि Redmi Note 11 Pro Max में आपको कौन से स्पेसिफिकेशंस मिलने वाले हैं और क्या होगी इसकी प्राइस और कब तक ये इंडिया में लॉन्च होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी दूसरी यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर दोस्तों आप लोग अलग अलग प्राइस रेंज में कौन से अच्छे मोबाइल है इस टाइप के वीडियो देखना पसंद करते हैं, जैसे कि 10,000 में कौन सा फ़ोन अच्छा है, 20,000 में, 15,000 में, इस टाइप के वीडियो अगर आप लोग देखना पसंद करते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल पर ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। डेली आपको ऐसे ही वीडियोज़ अलग अलग प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर भी अपना सपोर्ट ज़रूर से दिखाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे नए चैनल को भी, तो लिंक उसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग हमारी दूसरी चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों Redmi Note 11 Pro Max के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो जैसे हमने पहले बताया था, सेम वही स्पेक्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। 6.67 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले है विथ 120 हर्ट्ज़ फास्ट रिफ्रेश रेट, साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, ड्यूल स्पीकर आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा चिपसेट की बात करूँ तो Qualcomm Snapdragon 695 वाला 5G प्रोसेसर आपको यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर ही दोस्तों एक कन्फ्यूजन था चिपसेट के कौन सा आपको मिलने वाला है, बाकी सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट हमें पहले से ही गाइस पता थी। और इसके अलावा 5000 mAh बैटरी, 67 वोट फास्ट चार्जिंग, ये भी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 67 वोट का ही फास्ट चार्जिंग आपको प्रो मैक्स वाले वेरियंट में देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा कैमरा के बारे में भी हमने बताया था, 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा और सेम वही है, और फ्रंट साइड में है 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। और इसके अलावा 3.5 mm का जैक है, डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट का ऑप्शन है, सारे सेंसर आपको मिलते हैं, आयर ब्लास्टर है, सब कुछ दोस्तों जो शाओमी के फ़ोन में होता है वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और डिज़ाइन भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है, फ़ोन एकदम स्लीक है, और जो बॉक्सी टाइप डिज़ाइन आपको शाओमी 11i सीरीज़ में देखने को मिला था वैसा ही डिज़ाइन यहाँ पर भी गाइस आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है गाइस इस फ़ोन के प्राइस में, क्योंकि ग्लोबली ये फ़ोन दोस्तों 25,000-24,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है, और वो भी 6GB 64GB वाले वेरियंट के लिए। तो 695 जो प्रोसेसर है वो दोस्तों अंडर 20,000 में अगर आता है तो ही एक वैल्यू फॉर मनी हो पाएगा, क्योंकि 25,000 में तो बाकी सारे फ़ोन दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 778 जैसे प्रोसेसर मिल रहे हैं, और Xiaomi 11i ही आपको मिल रहा है डायमंडसिटी 920 वाले प्रोसेसर पर। तो ग्लोबल जो प्राइस होती है उसके मुकाबले इंडिया में दोस्तों प्राइस थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलती है, तो हो सकता है कि ये फ़ोन दोस्तों आपको इंडिया में 20,000 के अराउंड देखने को मिल सकता है, और अगर इसी प्राइस रेंज में आएगा तो ही एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन होगा, और ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी गाइस बताया था, अदरवाइज ये ओवर प्राइस्ड होगा। और इससे अच्छे और भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन आपको इस प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएंगे। एंड लॉन्च डेट की दोस्तों बात करूँ तो 15 फरवरी के अराउंड आपको ये इंडिया में देखने को मिल जाएगी Redmi Note 11 Pro सीरीज। अब प्रो सीरीज में दो ही फ़ोन है, प्रो 4G, नोट 11 प्रो 4G एंड नोट 11 प्रो 5G, जो कि इंडिया में प्रो मैक्स के नाम से लॉन्च हो सकता है। तो ये दोनों फ़ोन दोस्तों आपको इंडिया में देखने को मिल सकते हैं 15 फरवरी के अराउंड, क्योंकि उसी टाइम Realme की 9 सीरीज़ भी इंडिया में लॉन्च होने वाली है। खैर, आप लोगों को कैसे लगे इसके स्पेसिफिकेशंस और किस फ़ोन के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं वो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर से बता देना, और हमारी दूसरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। खैर, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।